मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जंग जारी है। आप सबका सहयोग मिल रहा है, मैं आभारी हूँ। जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आज कुछ और फैसले हमने किए हैं। हमारे किसान भाइयों को केसीसी की राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, उसको अब बढ़ा के 30 अप्रैल कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोफेशनल टैक्स देने वाले हमारे सभी साथियों को अब प्रोफेशनल टैक्स के भुगतान की तिथि बढ़ा के 30 अप्रैल कर दी गई है। संपत्ति कर जमा करने की तिथि भी अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश में संपत्ति क्रय विक्रय की वर्ष 2019 और 20 की कलेक्टर गाइडलाइन अप्रैल 30 तक यथावत लागू रहेगी। प्रदेश के सभी स्कूलों में फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल कर दी गई है। मेरे कई गरीब भाई और बहन जो बाहर के प्रदेशों से काम से लौटने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमने सभी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। वहाँ का प्रशासन भी आपके ठहरने के और भोजन की व्यवस्था कर रहा है, उसमें कसर नहीं रहने देंगे। लेकिन अगर कोई वापस लौट रहे हैं तो मेरी अपील है कि जहाँ रुक सकते हो रुकें, अत्यंत आवश्यक होने पर विधिवत जांच करके उनको गंतव्य तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। जो गरीब भाई बहन मेरे कई विधायक मित्रों ने कहा था, ऐसे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो भी चिंता ना करें, उनको इस महीने निःशुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा ताकि भोजन की व्यवस्था में कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो। चिंता ना करें, संकट बड़ा है लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है, लड़ेंगे और जीतेंगे। चिंता ना करें, मैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी हर संभव चिंता की जाएगी।